खबर है पंजाब से, जहां पंजाब में अग्रवाल समाज सभा पंजाब ने किया रणवीर कुमार गर्ग को सम्मानित। जहां खबर है पंजाब से, जहां पंजाब के मोगा शहर में अग्रवाल समाज सभा की ओर से पंजाब प्रधान डॉक्टर अजय कंसल जी की अगुवाई में रणवीर कुमार गर्ग जी को सम्मानित किया गया, जिन्होंने 74 साल की उम्र में अपनी पूरी निष्ठा एवं लगन के साथ हिंदी रामायण का अनुवाद पंजाबी में कर दिखाया। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय कंसल जी और जिला प्रधान PN मित्तल जी ने बताया कि पंजाब में राज्य की मातृभाषा पंजाबी होने के कारण अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग सनातन धर्म के साथ जुड़ पाएंगे और पंजाब के गांव-गांव तक भी रामायण का पवित्र संदेश जा पाएगा। इस अवसर पर एडवोकेट दिनेश गर्गर, राकेश मित्तल, के मित्तल, आरके गुप्ता, राजीव गुप्ता, रंजीव सिंगला, जीवन गोयल, महेश बंसल, रोबिन कंसल व अग्रवाल समाज सभा के अन्य सदस्य उपस्थित हुए। देखे सिटी साउथ मोगा से देवेंद्र कुमार की यह रिपोर्ट। फास्ट न्यूज़ इंडिया विच तुहाडा स्वागत है। अज असी तुहानू एक ऐसे शख्स नाल मिलाण जा रहे हैं जिन्हां ने तुलसीदास रामायण का जिहड़ा हैगा पंजाबी दे विच अनुवाद किया है, ना कि सिर्फ अनुवाद किया है, जिहड़े उहदे श्लोक भी उहदे विच दित्ते गए हैं संस्कृत दे विच, उहनां दा भी उहनां ने पंजाबी दे विच अर्थ दित्ता है। आओ असीं उहनां नूं मिलदे हां ते जानकारी लैंदे हां। इस तों इलावा मोगा दीआं जिहड़ीआं हैगीआं अलग अलग संस्थावां जिहड़ीआं हैगीआं उहनां नूं सन्मानित कर रहीआं। कल भी उन्होंने एक धार्मिक संस्था ने सम्मानित किया है, अज भी अग्रवाल समाज सभा मोगा नूं जदों तो पता लग्या है उन्होंने इस वधिया उपराले बारे तो अग्रवाल समाज सभा के बहुत मैंबर इत्थे पहुँचे हैं जिन्होंने कि उन्होंने इस काम लई जिहड़ा है सन्मानित किया है। आओ असी सारी जानकारी। हाँ जी डॉक्टर साहब, अज जो तुसीं सम्मान करन आए हो इन्हां दा उहदे बारे की कहना चाहोगे? अपने रणवीर कुमार गर्ग जी है, इन्हां दी एज 74 एज है। इन्होंने एक लगन नाल जिवें ट्रांसलेट किया, जिवें हिंदी तो पंजाबी ट्रांसलेट करता, किसी बंदे नूं कहें हिंदी नहीं आती, किसी नूं इंग्लिश नहीं आती, एक वधिया साढ़े अपना सनातन धर्म के अकॉर्डिंग हर एक बंदे नूं एक मौका मिलेगा एक होर लैंगुएज दे विच जाके वी, तां कि वो पंजाबी दे विच वी अपना रामायण वगैरह पढ़ सके। जिस तरह कि पंजाब दे विच जिहड़ी हैगी पंजाबी माँ बोली कही जाती है, पंजाब के पिंडां दी जिहड़ी हैगी वो जनसंख्या बहुत ज़्यादा शहरां नाल मुकाबले, की तुहानू लगता है कि पिंडां वाले लोग जिहड़े इस रामायण का फायदा उठा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, पिंडां दे विच जदों लोग वेखणगे पंजाबी दे विच ट्रांसलेट हुई है, पंजाबी चंगी तरह पढ़ सकते हैं, पिंडां विच लोग वधिया दा उपराला उठा सकते हैं। की अग्रवाल समाज सभा वल्लों जिहड़ी हैगी है ये पंजाबी विच हस्त लिखित रामायण हैगी है इहदा प्रकाशन करवाण दी कोशिश जिहड़ी प्रक्रिया दा अगे विचार है या बन रहा अगे? हाँ कड़ी अग्रवाल समाज सभा है कड़ी जिहड़ी वी इहदे विच कोई भी कोई प्रॉब्लम आती है अग्रवाल समाज सभा उहदी पूरी हैल्प करेगी तां कि यह पंजाबी दे विच बहुत ज़्यादा लोगों को तक जाए, तां कि लोग रामायण पढ़ सकन पंजाबी दे विच ते लोग साडे सनातन धर्म नूं जाण सकन। सो इसी साडे नाल अग्रवाल समाज सभा दे पंजाब प्रधान जिन्हां ने दस्या है कि ये एक बहुत वधिया गल हैगी है, इन्हां ने अपने जिहड़े विचार दस्से हन। साडे नाल रणवीर कुमार गर्ग जी भी मौजूद हैं जिन्हां ने कि इस तुलसीदास रामायण का जिहड़ा हैगा पंजाबी विच अनुवाद किया, आओ असीं उन्हां तों भी कुछ जानकारी लैंदे हां। बहुत जी तुहानू किसों इस गल की प्रेरणा मिली भी मैं जिहड़ी तुलसीदास रामायण है उहनूं पंजाबी दे विच अनुवाद करां? परमात्मा ही करन वाला है, उहदा ही हुक्म होया, पर मैनूं नहीं पता। तुहानू किन्ना टाइम लग्गिया जी अनुवाद? 1 मार्च तों मैं शुरू कर दिया। 1 मार्च 2021 नूं मैं शुरू होया, अज तकरीबन मैं लिख चुका। बाऊ जी ने यह काम 6 महीने के पूरी लगन नाल काम किया, इदा कोई बंदा होंगे भी 74 एज के जाके थोड़ा जहा हों, पूरी इन्होंने हार्डवर्किंग करके लगन नाल यह काम इन्होंने लगन नाल किया है, तो ही इन्होंने 6 महीने के सारा काम करता। सो इसी सही है साढ़े नाल रणबीर कुमार जी जिन्ह की 74 साल उम्र होने के बावजूद भी जिन्होंने जिहड़ी हैगी है रामायण का जिहड़ा हैगा ट्रांसलेशन पंजाबी दे विच कीती है, और असीं देख सकते हैं जदों इन्हां नूं असीं कुछ सवाल कीते तां इन्हां दा जिहड़ा भावुक हो गए। इत्थों आपां नूं आइडिया हो जांदा है, अंदाजा हो जांदा है कि इन्हां ने यह जिहड़ा काम कीता हैगा किसी निजी स्वार्थ नूं देखदे हुए नहीं कीता, परमात्मा दे प्रेरणा दे नाल अते जिहड़ी मन दी भावना दे नाल जिहड़ा हैगा इह काम कीता। फास्ट न्यूज़ इंडिया लई मोगा तों दविंदर।